गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुए रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये लॉर्ड कैनिंग का पार्ट फिफ्थ है। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फाइनेंशियल रिफॉर्म, आर्मी रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861 में, उससे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक फाइनेंस मेंबर ऐड हो गया था। जेम्स विल्सन पहले फाइनेंस मेंबर बने थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। जेम्स विल्सन ने तीन तरह के टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जेम्स के सक्सेसर ने सिर्फ एक ही टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था और वो था इनकम टैक्स। 500 या 500 से ज्यादा की इनकम पर 5% इनकम टैक्स लगाया गया। सॉल्ट पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया जिससे कि रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। तो गाइज ये थे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुए थे। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और सॉल्ट पर टैक्स बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है आर्मी रिफॉर्म्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को पूरी तरह से ब्रिटिश आर्मी में शामिल कर दिया गया और जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें ब्रिटिश आर्मी की रेगुलर सर्विस में ले लिया गया। और ये डिसाइड किया गया कि यूरोपियन सोल्जर्स के लिए इंडियन सोल्जर्स का रेशियो कभी भी 2 गुना से ज्यादा नहीं होगा और जो आर्टिलरी होगी वो भी यूरोपियन आर्मी के हाथों में ही होगी। मींस यूरोपियन का ही आर्टिलरी पर कंट्रोल होगा। तो गाइस ये थे आर्मी रिफॉर्म्स जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुए थे। अब डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चरल या लैंड रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल या लैंड रिफॉर्म्स में ही हम बंगाल रेंट एक्ट 1859 और टी मेनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। बंगाल रेंट एक्ट 1859 में आया था और इस एक्ट से ये कोशिश की गई थी कि जो लैंड का किराएदार है यानी कि जो पीजेंट है, फार्मर है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें अननेसेसरीली बढ़ते हुए रेंट से बचाया जाए। इस एक्ट को हर प्रोविंसेस में अप्लाई किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो किसान 20 सालों से जमीन पर खेती कर रहा है उसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वो 1793 से ही उस लैंड को संभाल रहा हो। और ये भी डिसाइड किया गया कि जब तक कोर्ट में पूछताछ नहीं करी जाएगी तब तक किसानों के लिए रेंट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो गाइस ये था बंगाल रेंट एक्ट 1859 जिसमें किसानों को हाई रेंट से बचाने की कोशिश करी गई। नेक्स्ट इवेंट है द टी मेनिया। जो असम में टी की खेती हो रही थी उसे 1860 तक यूरोप की भी अटेंशन मिलने लगी थी। लॉर्ड कैनिंग ने एक पॉलिसी को अपनाया था, फी सिंपल रूल्स। इस पॉलिसी से लैंड प्लांटर्स को बहुत ही सस्ते दामों में दे दी गई। पर एकड़ का प्राइस 2.8 से 5 रुपीस तक लिया गया। इससे असम में बहुत ज्यादा टी का प्लांटेशन बढ़ गया। इसी को द टी मेनिया कहा गया। द टी मेनिया से गार्डन को सेल और रीसेल दोनों किया गया और साथ ही ये लैंड्स जिन पर जल्दी ही टी उगाई गई थी उसे ब्रिटिशर्स ने प्रोडक्टिव टी एस्टेट्स कहकर बेचा। प्रोडक्टिव टी एस्टेट्स यानी कि उपजाऊ चाय का एरिया। तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग के टाइम में असम में चाय की खेती को बहुत ज्यादा फेम मिला। तो गाइज ये थे वो रिफॉर्म्स जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुए थे। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। हमने बहुत सारी हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर किया है, उनकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।